गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिमेटोलॉजी के अंदर आप आज का लेक्चर इसके ऊपर अपना मोर्फोलॉजी ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी आपने क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट में अलग अलग सेल्स को क्या है डिवाइड किया था क्लासिफिकेशन में, तो हम अलग अलग सेल्स की क्या है अपन मोर्फोलॉजी देखेंगे, उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर यानी संरचना देखेंगे, कौन सी सेल कितने डायमीटर की है, क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका लाइफ स्पान है, कौन सी उसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहती है, वो सारी चीजें क्या उसकी मोर्फोलॉजी के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट आज का लेक्चर शुरू करने से पहले क्या है पिछले का लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो किसके ऊपर था और व्हाइट ब्लड सेल क्लासिफिकेशन, व्हाइट ब्लड सेल के क्लासिफिकेशन और एक मोर्फोलॉजी देखी थी अपने पिछले लेक्चर में सेल की न्यूट्रोफिल की, उसको क्या है एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसमें कौन सी सेल्स है, बेसोफिल है, इओसिनोफिल है और न्यूट्रोफिल है, एंड द नॉन ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट आर द लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, और नॉन ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट कौन सी है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं हो, वो ल्यूकोसाइट की कौन सी सेल है, दो सेल है, एक लिम्फोसाइट है एक मोनोसाइट है। तो नीचे देखिए आप ल्यूकोसाइट का क्लासिफिकेशन क्या है, एक तो एग्रेन्युलर यानी ऐसी सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं हो, यानी छोटी छोटी एनर्जी के मॉलिक्यूल या एंजाइम के मॉलिक्यूल या कोई और सब जो सीक्रेट करती है ग्लैंड, उनके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं हो, वो कौन सी सेल है, एग्रेन्युलर। ये कितने परसेंट होती है, 35% होती है। तो इसके अंदर कितने कौन सी सेल आ गई, एग्रेन्युलर में दो प्रकार की सेल है, एक तो लिम्फोसाइट है, एक क्या है मोनोसाइट, दूसरा क्या है दूसरी जो पोर्शन है वो क्या है ग्रेन्युलर, कितने परसेंट है, 65%। ग्रेन्युलर का मतलब है जिसमें क्या है मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, यानी क्या है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, कणिका है प्रेजेंट हो। और ग्रेन्युलर में कौन सी सेल है, तीन सेल है, एक तो बेसोफिल है, एक न्यूट्रोफिल है और एक इओसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्लासिफाइड ग्रेन्यूल, ये क्लासिफाइड एज ग्रेन्युलो और एग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट क्या है, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स दैट कंटेन माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल, यानी ऐसी व्हाइट ब्लड सेल्स जो क्या है ग्रेन्यूल्स रखती हैं, जिनमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहती हैं, वो कौन सी है, न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है और बेसोफिल है। नेक्स्ट दूसरा पोर्शन क्या है, एग्रेन्युलोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स दैट कंटेन नो माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल, यानी ऐसी ग्रेन्युलोसाइट जिसमें क्या है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहते, उसको अपन क्या बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट। उसके अंदर कौन सी सेल है, लिम्फोसाइट मोनोसाइट। तो नीचे डायग्राम में देखिए आप इओसिनोफिल बेसोफिल और न्यूट्रोफिल में क्या है छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है रेड कलर के, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का साइटोप्लाज्म क्या है बिल्कुल क्लियर व्हाइट है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई ग्रेन्यूल्स दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट क्या है सब डायग्राम जिसमें क्या है क्लासिफिकेशन किया गया है व्हाइट ब्लड सेल्स का और क्या है उनकी थोड़ी डिटेल दी गई है। सबसे पहले देखिए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट देखिए आप 65% है, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल होते हैं। नेक्स्ट उनकी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियस देखिए नीचे, न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टीलोबुलेटेड, यानी इसमें क्या है बहुत सारी पालियां प्रेजेंट रहती है। डायमीटर कितना होता है, 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है न्यूट्रोफिल का, यानी 10 से 12 माइक्रोमीटर। लाइफ स्पान कितना होता है न्यूट्रोफिल का, तो 6 से 7 घंटे किसमें, ब्लड यानी ब्लड में, और 1 से 4 दिन किसमें, टिश्यू के अंदर। वर्क क्या है यानी काम क्या है न्यूट्रोफिल का, तो एक तो क्या है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस क्या होता है वह प्रोसीजर जिसमें क्या है कोई सा बैक्टीरिया वायरस या पैरासाइट को किल करती है, और न्यूट्रोफिल क्या करता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शो करता है, यानी जब भी कोई ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल आता है जो डिजीज कॉज कर दे, उसके साथ सबसे पहले कौन फाइट करता है, न्यूट्रोफिल फाइट करता है। दूसरी सेल कौन सी है, इओसिनोफिल, जो कैसी होती है, उसके न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बाइलॉब, यानी क्या उसमें दो पालियां प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट डायमीटर कितना होता है उसका, 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है, 6 to 8 आवर इन ब्लड, लाइफ स्पान देखिए 6 से 8 घंटे किसमें, ब्लड के अंदर, और 2 to 5 डेज इन टिश्यू, और 2 से 5 दिन किसमें रहती है, टिश्यू के अंदर रहती है,
और काम क्या है, इसका फर्क क्या है फंक्शन, तो एंटी एलर्जिक, यानी जब कोई एलर्जिक कंडीशन होती है इन्फेंट के अंदर एडल्ट के अंदर, उस टाइम क्या होती है इंक्रीज हो जाती है, किसी को पोलन ग्रेन्यूल से एलर्जी है, किसी को टस्ट से, किसी को कस्टर्ड से है, या फिर किसी को क्या है व्हीट से है, तो उस टाइम पे क्या जैसे कोई एलर्जिक कंडीशन होगी तो क्या है इओसिनोफिल क्या है इंक्रीज हो जाएगी अपने काउंट में। तीसरी ग्रेन्यूलोसाइट क्या है बेसोफिल, तो उसका देखिए शेप कैसी होती है न्यूक्लियस की, एस शेप होती है, यानी एस के जैसा उसका न्यूक्लियस दिखाई देता है। इसका डायमीटर कितना है 8 to 10 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट इसका टाइम क्या होता है, यानी लाइफ स्पान कितनी होती है, शॉर्ट टाइम लिव, यानी बहुत ही कम समय के लिए क्या है जिंदा रहती है। नेक्स्ट लिब्रेटेड यानी सिक्रेट क्या करती है बेसोफिल, तो बेसोफिल एक तो हिपेरिन सिक्रेट करती है जो क्या है एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, यानी जो थक्का नहीं जमने देता ब्लड का ह्यूमन बॉडी में। दूसरा हिस्टामिन और सीरोटोनिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन क्या काम करते हैं, वो ब्लड वेसल्स की शेप एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स का एग्रेन्युलोसाइट, यानी जिसमें एग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहती वो होता है, कितने परसेंट है 35%। तो इसके अंदर फर्स्ट सेल कौन सी है मोनोसाइट है, जो कैसी दिखाई देती है आपको किडनी से, यानी ब्लड के जैसी। डायमीटर कितना है मोनोसाइट का 12 to 18 माइक्रोमीटर, और किडनी क्या है उसका लाइफ स्पान कितना है 10 to 20 आवर इन ब्लड, यानी 10 से 20 घंटे किसमें प्रेजेंट रहती है वो ब्लड के अंदर। फिर क्या है माइग्रेटिन टिश्यू, किसके अंदर माइग्रेशन कर जाती है, किसमें ट्रांसफर कर दी जाती है टिश्यू के अंदर। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड सिंगल माइक्रोफेज कैन डाइजेस्ट 100 बैक्टीरिया इन टिश्यू, और क्या है न्यूट्रोफिल के बाद दूसरी बैक्टीरिया के साथ फाइट कौन सी सेल करती है मोनोसाइट करती है, तो सेकेंड लाइन डिफेंस कौन सी सेल शो करती है मोनोसाइट शो करती है, और एक अकेली मोनोसाइट कितने बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर सकती है 100 बैक्टीरिया को। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट, जो कैसी होती है राउंडेड से, डायमीटर कितना होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर, ए वीक और मंथ इनका कोई फिक्स नहीं है, ये एक सप्ताह से एक महीने तक या ब्लड के अंदर प्रेजेंट रह सकती है। और लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है मोर्फोलॉजी ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूकोसाइट की मोर्फोलॉजी, उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखिए कौन सी ल्यूकोसाइट की अपन मोर्फोलॉजी देखेंगे, न्यूट्रोफिल की, जिसका डायमीटर कितना होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल में, मल्टीलोबुलेटेड, यानी क्या है कि उसमें बहुत सारी पालियां प्रेजेंट रहती है, द नंबर ऑफ लोब्स इज 2 to 7, और कितनी पालियां है मोस्टली 2 से 7 तक। परसेंटेज ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट यानी टोटल ल्यूकोसाइट की न्यूट्रोफिल कितने परसेंट होती है 45 to 65%, यानी 45 से 65%। नेक्स्ट द ग्रेन्यूल्स आर 2 टाइप्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, न्यूट्रोफिल के अंदर कितने ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहती है साइटोप्लाज्म में, 2 प्रकार की ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहती है। तो पहली ग्रेन्यूल्स कौन सी है प्राइमरी एक्सेरोफिलिक ग्रेन्यूल, प्राइमरी एक्सेरोफिलिक ग्रेन्यूल्स में कौन सी चीजें प्रेजेंट रहती है, कंटेन प्रोटियोलाइटिक सब्सटेंस, यानी ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटीन को क्या है डाइजेस्ट कर सके, वो सारे सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा क्या है माइलो प्रोक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्रोमोसोमल एनालिसिस के अंदर या फिर क्रोमोसोमल यानी सेल डिवीजन के अंदर काम में आता है। नेक्स्ट है लाइसोसोमल एंजाइम, यानी जो फूड के डाइजेशन के अंदर काम में आते हैं, वो एंजाइम भी क्या है एक्सेरोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्या है न्यूट्रोफिल में सेकेंडरी ग्रेन्यूल, यानी दूसरे प्रकार की ग्रेन्यूल्स कौन सी कणिकाएं, दे कंटेन ऑफ लैक्टोफेरिन एल्कलाइन फॉस्फेट एंड विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन, यानी सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स में क्या प्रेजेंट रहता है, एक तो लैक्टोफेरिन प्रेजेंट रहता है, एल्केलाइन फॉस्फेट प्रेजेंट रहती है, और विटामिन B12 बाइंड होने वाली यानी विटामिन B12 से अटैच होने वाली प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। लाइफ स्पैन कितना है न्यूट्रोफिल का, न्यूट्रोफिल इज 6 to 7 आवर इन ब्लड, यानी 6 से 7 घंटे की इसमें रहती है न्यूट्रोफिल सेल ब्लड के अंदर, 1 to 4 डेज इन टिश्यू, और 1 से 4 दिन फिर किसमें ट्रांसफर कर दी जाती है टिश्यू के अंदर यानी ऊतक के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन क्या है न्यूट्रोफिल का, सबसे पहले देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फैगोसाइटोसिस, यानी क्या है फैगोसाइटोसिस प्रोसीजर से वो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। दिस सेल कैन कंसीडर्ड दैट फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ अगेंस्ट इंफेक्शन, और एक किसी भी इंफेक्शन यानी वो बैक्टीरिया का हो पैरासाइट का हो या फिर वायरस का हो
तक कोई सब्सटेंस जो क्या इन्फेक्शन को कोज कर रहा है, तो उसके उसके साथ फाइट क्या करती है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल फाइट करती है, इसीलिए कह रहे हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस शो करती है, सबसे पहले विरोध करती है। न्यूट्रोफिल आर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इननेट इम्यून सिस्टम, यानी न्यूट्रोफिल क्या है, इननेट यानी जो अपन को जन्मजात इम्यून सिस्टम मिला है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है मैच्योर न्यूट्रोफिल प्रेजेंट थ्री न्यूक्लियस लोब, यानी परिपक्व न्यूट्रोफिल में कितने न्यूक्लियस की लोब प्रेजेंट रहती है, मोस्टली तीन प्रकार की, यानी तीन लोब्स प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्या है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो जाती है पैरालाइटिक इन्फेक्शन में, यानी पैरालाइसिस में, ये एक्यूट पैरालाइसिस का मतलब है अचानक होने वाली, और न्यूट्रोफिलिया यानी इंक्रीज न्यूट्रोफिल ड्यू टू वॉरम्स, यानी न्यूट्रोफिलिया क्या है, किसी जीवाणु के काम के कारण न्यूट्रोफिल्स की अचानक से होने वाला इंक्रीजमेंट यानी बढ़ना न्यूट्रोफिल का। तो आज के लेक्चर में क्या है, अपन मॉर्फोलॉजी ऑफ ल्यूकोसाइट देखेंगे। तो आपने न्यूट्रोफिल की मॉर्फोलॉजी पिछले लेक्चर में देख ली थी, आप अपन कौन सी देखेंगे, ग्रेन्युलोसाइट के अंदर इओसिनोफिल की मॉर्फोलॉजी। तो इओसिनोफिल क्या है, इओसिनोफिल सम टाइम कॉल्ड इओसिनोफिल और लेस कॉमनली एसिडोफिल, यानी इओसिनोफिल को एक तो अपन इओसिनोफिल बोलते हैं और बहुत ही कम कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए वेराइटी ऑफ वो व्हाइट ब्लड सेल एंड वन ऑफ इम्यून सिस्टम कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग मल्टी सेलुलर पैरासाइट एंड सर्टेन इन्फेक्शन इन वर्टिब्रेट, यानी क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स की एक वैरायटी है जो इम्यून सिस्टम में क्या रोल प्ले करती है, उसका कंपोनेंट है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मल्टी सेलुलर है, जो पैरासाइट या फिर अदर कोई इन्फेक्शन कोज करता है वर्टिब्रेट में उसके साथ क्या है वो कंबाइन होकर उसको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अलॉन्ग विथ मास्ट सेल एंड बेसोफिल दे आल्सो कंट्रोल मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद एलर्जी एंड अस्थमा, यानी अलॉन्ग विद यानी किसके साथ में, मास्ट सेल के, ये मास्ट सेल और बेसोफिल दोनों मिलके दे आल्सो कंट्रोल मैकेनिज्म, तो इसकी मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है एसोसिएटेड विद एलर्जी यानी एलर्जी के रिएक्शन को कंट्रोल करती है एंड अस्थमा यानी अस्थमा कोई सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, और एलर्जी किसी से रिलेटेड भी हो सकती है, सक्शन से यानी स्किन से रिलेटेड हो सकती है, सांस से रिलेटेड हो सकती है, या फिर फूड से रिलेटेड हो सकती है। नेक्स्ट दीज सेल आर इओसिनोफिलिक और एसिड लविंग ड्यू टू देयर लार्ज एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल, ये क्या है कि इओसिनोफिलिक है और ये क्या है एसिड लविंग यानी एसिड स्टेनिंग है वो जल्दी टेक करती है, क्योंकि इसमें क्या है एसिड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहती है, इसमें जो ग्रेन्यूल है वो क्या है साइटोप्लाज्मिक एसिडोफिलिक है, यानी इसमें क्या है जो ग्रेन्यूल्स है वो एसिडोफिलिक है। नेक्स्ट शुरू से देखिए इओसिनोफिल को क्या कई बार मोस्टली तो इओसिनोफिल बोलते हैं और बहुत कम कंडीशन में क्या बोलते हैं एसिडोफिल, वैरायटी ऑफ व्हाइट ब्लड सेल एंड वन ऑफ द इम्यून सिस्टम कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग या कम्बेटिंग मल्टी सेलुलर पैरासाइट, यानी एक व्हाइट ब्लड सेल की वेराइटी जो क्या इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है कि मल्टी सेलुलर पैरासाइट के साथ वो कंबाइन होके क्या है उसके साथ रिएक्शन करेगी यानी उसको किल करने का काम करेगी एंड सर्टेन इन्फेक्शन इन वर्टिब्रेट, और ये क्या है अदर इन्फेक्शन के अंदर भी उनके साथ मतलब जो इन्फेक्शन कोज करता है फॉरन पार्टिकल उनके साथ कंबाइंड होकर उसको किल करने का काम करती है। नेक्स्ट अलोंग विद मास्ट सेल एंड बेसोफिल दे आल्सो कंट्रोल मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद एलर्जी एंड अस्थमा, यानी क्या है बेसोफिल मास्ट सेल और बेसोफिल दोनों मिलके क्या है मैकेनिज्म और एलर्जी कंडीशन को कंट्रोल करती हैं, और एलर्जी का एग्जांपल क्या दिया गया है यहाँ पे अस्थमा जो क्या है रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज है जिसमें क्या है ट्रेकिया की जो स्लेप है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट दीज सेल्स आर इओसिनोफिलिक और एसिड लविंग ड्यू टू देयर लार्ज एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल, यानी ये क्या है कि एसिड लविंग सेल है यानी क्या है एसिड स्टेन जल्दी टेक करेगी यानी जल्दी लेगी, कारण क्या है इसमें एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्या है डायमीटर, डायमीटर कितना है इसका 10 to 14 माइक्रोमीटर, टोटल परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट कितनी है
1-2% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के टोटल कितने परसेंट होती है, इयोसिनोफिल 1-2%, और इनका डायमीटर कितना है 10-14 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट न्यूक्लियस हैज टू लोब, न्यूक्लियस में कितनी पालिया प्रेजेंट रहती है, 2 पालिया प्रेजेंट रहती है, और उनकी शेप कैसी है, स्पेक्टेकल शेप यानी चश्मा की जैसी उनकी आकृति होती है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म क्या है, कंटेन कोर्स ग्रेन्यूल विच टेक स्टेन यानी एसिड स्टेन। साइटोप्लाज्म कैसा है, जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहती है, उनको कैसी स्टेनिंग टेक यानी लेता है, एसिड से रिलेटेड स्टेनिंग लेता है। स्टेनिंग वो भी एजेंट है तो जिससे क्या है, अपना किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं स्टेन करके। स्टेनिंग का मतलब होता है स्टेनिंग का अभिरंजक कोई, जिससे क्या है दूसरी चीज रंग के अपन उसको डिटेक्ट कर ले। तो नेक्स्ट देखिए लाइफ स्पान कितना है, 6-8 आवर इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर तो कितने टाइम प्रेजेंट रहती है सिनोफिल, 6-8 घंटे, और 2-5 डेज इन टिश्यू, और टिश्यू के अंदर कितने टाइम के लिए प्रेजेंट रहती है, 2-5 दिन के लिए। फंक्शन क्या है इसका, ड्यूरिंग Thank you.
क्या है? बेसोफिल, जिसका डायमीटर कितना है? 8 to 10 micrometer। मतलब डायमीटर कितना है सेल का? 8 से 10 meter या टोटल डायमीटर? टोटल परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूकोसाइट की टोटल परसेंट कितनी होती है? लेस देन 1%, यानी 1% से कम। न्यूक्लियस कैसा? इरेगुलर या एस शेप, यानी कोई फिक्स नहीं है वैसे इसकी शेप, और वैसे देखे तो एस शेप का दिखाई देता है। साइटोप्लाज्म कैसा है? कंटेन कोर्स ग्रेन्यूल्स विच टेक अप बेसोफिलिक स्टेन, यानी कोरस ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहती है और बेसोफिलिक स्टेनिंग क्या है लेता है, यानी बेसोफिल से अपन इसको स्टेन कर सकते हैं, यानी सारी स्टेनिंग से स्टेन कर सकते हैं। लाइफ स्पैन कैसा है? रिमेन इन ब्लड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड आफ्टर माइग्रेट इन द टिश्यू, एंड ब्लड के अंदर ये क्या है थोड़े टाइम के लिए ही रहती है और उसके बाद क्या है टिश्यू में माइग्रेट कर जाती है, टिश्यू के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट है ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल्स कौन सी प्रेजेंट रहती है? एक तो कंटेन हिस्टामिन, हिपेरिन एंड एसिड पेप्टाइड, एसिड पेप्टाइड एरिया प्रोटीन, यानी चार प्रकार की ग्रेन्यूल्स है, तो हिपेरिन, एक क्या है हिस्टामिन और एक क्या है एसिड पेप्टाइड एज और एक प्रोटीन ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्या है इसके फंक्शन, फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन क्या है? दे सीक्रेट हिपेरिन विच इज ए न्यूट्रल नेचुरल एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, एक क्या है हिपेरिन को सीक्रेट करती है जो क्या है नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट का मतलब ऐसा पदार्थ जो ब्लड का क्लोट नहीं बनने देता, और हिपेरिन के कारण ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड क्या है क्लोट नहीं होता। नेक्स्ट हिस्टामिन प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, और हिस्टामिन कैसे कंडीशन में प्रोड्यूस होता है? एलर्जिक रिएक्शन में। ब्रेडिकाइनिन सीरोटोनिन पार्टिसिपेट इन द इन्फ्लामेशन प्रोसेस, और जो ब्रेडियोकाइनिन है और सीरोटोनिन है वो क्या है इन्फ्लामेशन या सूजन की प्रोसेस में क्या है, जैसे कहीं पे सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन होगी, पेन के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, उस टाइम पे क्या है ये सिक्रेट होते हैं। नेक्स्ट सेल कौन सी है? ग्रेन्यूलोसाइट, यानी जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होती, वो सेल कौन सी है? मोनोसाइट। सबसे पहले तो इसका लार्ज सेल एंड 2 to 8% टोटल ल्यूकोसाइट, यानी काफी बड़ी सेल है, 2 से 8% इसके टोटल ल्यूकोसाइट की परसेंटेज है। न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट होता है? किडनी से। साइटोप्लाज्म कैसा है? डज नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स एंड विल ब्लून स्टेनिंग, यानी ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते इसमें, और कलर कैसी होती है, स्टेनिंग कैसी लेती है? पेल ब्लू कलर की, यानी हल्के पीले रंग की। लाइफ स्पैन कितनी है? 10 से 20 घंटे इन ब्लड एंड अकॉर्डिंग टू इन टिश्यू, और उसके बाद क्या है जैसी कंडीशन या रिक्वायरमेंट होती है टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, दे माइग्रेट टू द टिश्यू एंड बिकम लार्ज इन साइज परफॉर्म द टिश्यू माइक्रोसिस, ये क्या है टिश्यू के अंदर माइग्रेट यानी ट्रांसफर होने के बाद अपने साइज के अंदर इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है और क्या है माइक्रोफेज सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है फंक्शन, किसके? मोनोसाइट से। तो फंक्शन क्या परफॉर्म करती है? एक परफॉर्म सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी दूसरी क्या है डिफेंस लाइन शो करती है न्यूट्रोफिल के बाद। नेक्स्ट इन मैच्योर सेल इन द ब्लड एंड डू नॉट हैव फुल एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी ब्लड के अंदर क्या है मैच्योर नहीं होती और ये क्या है इनकी फुल एबिलिटी डू नॉट हैव, यानी इसमें क्या है पूरी एबिलिटी नहीं होती किसके फाइट इन्फेक्शन से फाइट करने की, यानी इन्फेक्टियस एजेंट से फाइट करने की पूरी एबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट ए सिंगल माइक्रोफेज कैन डाइजेस्ट 100 बैक्टीरिया, और एक अकेली माइक्रोफेज कितने बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर जाती है? 100 बैक्टीरिया। द डेड न्यूट्रोफिल माइक्रोफेज नेक्रोटिक बैक्टीरिया एंड डेड बैक्टीरिया आर कंबाइंड टूगेदर आर ऑल्सो नोन एज पस, यानी डेड न्यूट्रोफिल माइक्रोफेज यानी मोनोसाइट और नेक्रोटिक बैक्टीरिया डेड बैक्टीरिया इन सभी को मिला के क्या बनता है ह्यूमन बॉडी में पस बनता है किसी इन्फेक्शन के टाइम पे। टैक्स वॉल